सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे फेसबुक ग्रुप से पैसे कमा सकते हैं गाइस, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता है कि कौन से ग्रुप होते हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हो, बिकॉज यहाँ अलग अलग तरह के बहुत सारे ग्रुप है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल ऑनलाइन मनी में। सो लेट्स गो। So my name is Steve and I'm the best in the world and you are watching online money as usual. Guys, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो और लाइक का बटन जरूर दबाओ, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस एंड आप लोगों के लिए वैल्यूएबल एंड हेल्पिंग वीडियोस लाने के लिए। सो मेक श्योर कि आप लाइक का बटन जरूर दबाओ, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस, सबसे पहले जो चीज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रुप जो होते हैं वो तीन प्रकार की, थ्री टाइप्स के ग्रुप होते हैं इन फेसबुक। सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो होता है लाइक पब्लिक, पब्लिक सीक्रेट एंड क्लोज ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पब्लिक यानी कोई भी उस ग्रुप में पोस्टिंग कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ग्रुप एंड जर्नल ग्रुप यू कैन से। ओके, एंड देन जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट नीश ग्रुप। ठीक है, प्राइवेट नीश ग्रुप, इट्स मीन कि इसमें क्या होता है कि जो मॉडरेटर या एडमिन जो होता है वो क्या करता है कि जैसे कोई भी इसमें पोस्ट नहीं कर सकता, वही पोस्ट होगी जो नीश से रिलेटेड होगी या कहो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इन चीजों को आपको सबसे पहले समझना जरूरी है अगर आप किसी भी अपने फेसबुक ग्रुप को मोनेटाइज करना चाहते हो। एंड जो थर्ड होता है वो होता है शब नीश ग्रुप। डोंट वरी, मैं आपको उदाहरण और एग्जाम्पल दोनों सेम ही है आई नो, तो दोनों ही दे के समझाऊंगा कि आप कैसे इन ग्रुप को देख सकते हो, कैसे समझ सकते हो ये कौन से ग्रुप है और कैसे अपने काम को मोनेटाइज कर सकते हो फेसबुक ग्रुप के जरिए। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने कहा कि पब्लिक ग्रुप, पब्लिक ग्रुप मतलब कोई से भी ग्रुप लाइक एफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप में, एक मनी ऑनलाइन के ग्रुप। ओके, तो ये जो ग्रुप्स हैं इसमें कोई भी बंदा आता है पोस्टिंग कर सकता है, ये होते हैं जनरल पब्लिक ग्रुप्स। ओके, अब जो सेकेंड होता है प्राइवेट निशेज, जैसे कि बहुत सारे आपने ऐसे ग्रुप देखे होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग पे बेस्ड है, जैसे कि अपना एक ग्रुप है डिजिटल टीए डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी आता है सब कुछ पोस्ट करता है, तो वो क्या है, वो प्राइवेट नीश ग्रुप है। ओके, सो उसमें डिजिटल मार्केटिंग एक टॉपिक है जो एक नीश है, लेकिन उसके अंदर कोई एफिलिएट प्रमोट कर रहा है, कोई ई कॉम प्रमोट कर रहा है, कोई फेसबुक एड, कोई गूगल एड, कोई ब्लॉग, मतलब कुछ भी प्रमोट कर रहा है अंडर डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो ये हो गए प्राइवेट नीश ग्रुप। एंड जो थर्ड होता है सब नीश गाइस, इसको बोलते हैं सब नीश, मतलब नीश के भी अंदर एक नीश आता है, दैट इज कॉल्ड सब नीश। ठीक है, अब सब नीश में क्या होता है, देखो यहां पर बंदा जैसे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो इसमें सब नीश में वो बंदा सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट करवा रहा है। ठीक है, या आप उसको प्रमोट करवा रहे हो फेसबुक एड्स प्रमोट करवा रहे हो, मतलब उसके बारे में ही आप अंदर बात कर रहे हो। ठीक है, या ई कॉम आप प्रमोट करवा रहे हो, ई कॉमर्स या उसके बारे में बात कर रहे हो, मतलब एक मेन ब्रांच और उसके नीचे उसका सब ब्रांच, मतलब उससे छोटा ब्रांच उसके अंडर में आने वाला ब्रांच, सब नीश। तो ये तीन ग्रुप आपको मिलेंगे फेसबुक पे, हमेशा देखना, इन तीन ग्रुप्स के अलावा आपको कोई ग्रुप नहीं मिलेगा। सबसे पहला ग्रुप जो आपको मैंने बताया कि कोई भी उसमें पोस्ट कर सकता है, जो सेकंड ग्रुप है वो है नीश से रिलेटेड लेकिन उसमें तरह तरह के सब नीशेस भी पोस्ट किए जाते हैं, और जो थर्ड है वो सब नीश। ठीक है, सो मस्ट इस चीज को ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा जो पैसे अर्निंग के ग्रुप्स होते हैं दैट इज कॉल्ड सब नीश ग्रुप। क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए बिकॉज ये जो सब नीश के ग्रुप रहते हैं ये पर्टिकुलर किसी एक चीज पे फोकस रखते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक चीज पे फोकस रखते हैं, और उससे क्या होता है, इनके पास सीधा टारगेटेड ऑडियंस आता है, छोटा ऑडियंस आता है बट टारगेटेड ऑडियंस आता है, जिसे अगर क्या करते हैं ये कुछ भी आसानी से सेल कर देते हैं, बिकॉज जो इनका ऑडियंस बेस होता है वो बहुत ज्यादा टारगेटेड होता है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सब नीश वाले ग्रुप्स को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं।
तो गैस अब हो सकता है आपकी हॉबी कुछ भी हो, लाइक आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो, बुक पढ़ने में एक्सपर्ट हो, एफिलिएट मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हो, गूगल एड्स में एक्सपर्ट हो, ई कॉम में, और आपका हो गया सीपीए में, या आप फनल मेकिंग में, ईमेल मार्केटिंग में, आप जिसमें भी एक्सपर्ट हो, यू नीड टू मेक अ ग्रुप. व्हाट यू नीड टू मेक अ ग्रुप? सबसे पहले तो आपको एक ग्रुप बना लेना है. अब वो ग्रुप आपके सब नीश के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपकी सब नीश है. ठीक है, यू नीड टू क्रिएट अ ग्रुप बेस्ड ऑन योर सब नीश. अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उससे रिलेटेड लोगों को ऐड करना है ग्रुप में. अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि लोगों का सोचना है कि उनके ग्रुप में जब लाखों लोग रहेंगे, हजारों लोग रहेंगे, तभी वो अर्निंग कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है. आपके ग्रुप में अगर 100 लोग भी हैं और वो आपसे इंगेज हैं, इंगेज इट्स मीन कि आप कोई पोस्ट डालते हो, वो लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, पोस्ट को देखते हैं, लाइक करते हैं, देन आपसे बात करते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, लाइक दैट, तो इसको बोलते हैं इंगेजमेंट. अगर वो इंगेज है आपके साथ, तो वो जो ग्रुप है आपका, वो टाइम टू टाइम एक्सप्लोड करेगा, और देखना बहुत जल्दी आपका ग्रुप भी ग्रो होगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, दैट इज कॉल्ड इंगेजमेंट. फ्रेंड्स ऐड के बाद आपको अपने ग्रुप का इंगेजमेंट बढ़ाना है. गाइस देखो, अभी अपने पास एक मार्केटिंग का ग्रुप है, एक एफिलिएट मार्केटिंग का ग्रुप है, और भी डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है, बट जो सबसे ज्यादा इंगेजिंग ग्रुप है वो है अपना टीए डिजिटल मार्केटिंग. बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक नीश है, एंड वहां पर इंगेजमेंट बहुत अच्छा है, बट वहां और उस चीज को मोनेटाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज वहां बहुत सारे तरह तरह के माइंड्स हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो उसको मोनेटाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. बट अगर उस चीज को सब नीश में तोड़ दिया जाए, तो उसको मोनेटाइज करना इज सो इजी. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब नीश पे ज्यादा ध्यान दो. अब मान लो, जैसे कि मैंने बताया कि आपका बुक रीडिंग या कुकिंग या हेल्थ से रिलेटेड आपका सब नीश है, तो अब उस पे आपको ऑडियंस ला लेनी है, जो भी आपकी 100 50, देन उनको इंगेज करना है, स्टार्ट करना है, एंड देन आपको क्या करना है, क्वालिटी पोस्ट. क्वालिटी पोस्ट, यस गाइस, आपको ऐड करनी है कुछ वैल्यू, आपको ऐड करनी है अपनी नॉलेज, जो हो सकता है आपने पैसे दे के सीखी है या कुछ भी करके सीखा है, जो भी आपने सीखा है वो वैल्यू आपको फ्री में ऐड करनी होगी अपने लोगों के लिए. जब आप वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करोगे, तब ही लोग आप पे बिलीव, ट्रस्ट, या आप जो भी बोल लो, भरोसा, सब एक ही है, करना स्टार्ट करेंगे. तो आपको पोस्ट करनी पड़ेगी वैल्यूएबल. देन जब आपका एंगेजमेंट ग्रो होते जाएगा, तो आपका जो ग्रुप है वो भी एक्सप्लोर करेगा, काफी ज्यादा एक्सप्लोर करेगा. बिलीव मी, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना, या आप किसी और के भी ग्रुप में अपनी पहचान बना सकते हो अच्छे वैल्यूएबल पोस्ट डाल के, एंड देन उन लोगों को, जो लोग आप पे ट्रस्ट करने लगे हैं, उनको अपने ग्रुप में भी ला सकते हो. इसीलिए मैंने ग्रुप क्रिएट किया है. पहला ग्रुप जो है एफिलिएट मार्केटिंग का, जो दूसरा ग्रुप है क्रिएटिव मार्केटिंग माइंड्स का, जिसमें हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं. तो इन दोनों ग्रुप में आप अपनी पहचान बना सकते हो, और यहाँ से लोगों को ले जा सकते हो अपने ग्रुप में. बट यहाँ पर पहचान बनाने लिए आपको वैल्यूएबल पोस्ट करने पड़ेंगे. जब आप वैल्यूएबल पोस्ट करोगे, तब आपकी धीरे धीरे पहचान बनती जाएगी. तो आपने समझ गया, आप समझ गए होगे कि सब नीश, फिर उसके बाद लोगों को ऐड करना, फिर इंगेजमेंट, फिर क्वालिटी पोस्ट, एंड देन जो चीज होती है, पहचान बनाना अपने ग्रुप में. ठीक है, और अगर आप अपने ग्रुप में पहचान नहीं बना रहे हो, किसी और के ग्रुप में अपनी पहचान बना रहे हो, देन वहां से लोगों को ला रहे हो, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट काम रहेगा वो होगा पहचान बनाना किसी और के ग्रुप में, देन सब नीड्स, देन ऐड, देन एंगेजमेंट, एंड देन क्वालिटी पोस्ट. ओके, अब इसके बाद मोनेटाइज करने के सबसे अच्छे दो तरीके हैं. ठीक है, ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो मोनेटाइज करने के सबसे अच्छे दो तरीके हैं. जो सबसे पहला तरीका है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सेलिंग, और जो दूसरा तरीका है गाइस, वो है सब्सक्रिप्शन बेस. गाइस देखो, अब क्या होता है, ग्रुप में आप या तो अपने सब नीश के अकॉर्डिंग आप एफिलेट प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, या आप खुद का प्रोडक्ट प्रोड्यूस बना के वो सेल कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है ग्रुप को मोनेटाइज करने का. अब जैसे कि आपका नीश है बुक्स, तो आप
एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, बुक्स की ऑडियो बुक्स दे सकते हो जो अमेजोन पे अवेलेबल है, ठीक है, उनका एफिलिएट कर सकते हो, या आपका कोई बुक स्टोर है तो आप बुक्स वहां से उठा के सेल कर सकते हो, या किसी से आप फिक्स कर लो डील एंड उसकी बुक्स आप अपने ग्रुप में सेल कर सकते हो। और जो दूसरी चीज है गाइस, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई ग्रुप बनाते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप अपने वीडियोस बना के सेल कर सकते हो, अपने कोर्सेस सेल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस जो दूसरा है वो सब्सक्रिप्शन बेस है। आपने देखा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में जो सीपीए मार्केटिंग होती है उसमें लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड ग्रुप बहुत ज्यादा बनाते हैं। व्हाई? बिकॉज लोगों को जब भी जरूरत पड़ता है तो उसमें एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, सब्सक्रिप्शन बेस में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। जब ज्यादा आप एक्टिव रहोगे तभी आप लोगों के रिप्लाई दे पाओगे, प्लस आपको मॉडरेटर्स भी रखना पड़ता है, बिकॉज अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो वहां पर कोई अवेलेबल होना चाहिए जो आपकी अनुपस्थिति में, वाओ, आपकी अनुपस्थिति में लोगों को रिप्लाई दे सके, तो वो बंदा वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ग्रुप्स हैं उनमें यही प्रॉब्लम है कि आपको थोड़ी टीम लेके चलनी पड़ती है, एक दो तीन बंदे आपके साथ होने चाहिए जो आपके ग्रुप का ध्यान रखें। और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो कि जैसे कि आपके पास बुक है, न्यूज का आपका एक पूरा ग्रुप है, या आपका स्टोरी टेलिंग का ग्रुप है, तो आप सब्सक्रिप्शन दे सकते हो कि हम हर वीक नई स्टोरीज लेके आएंगे, हर वीक नया बुक लेके आएंगे, या हर वीक कोई चीज आपको सिखाएंगे। ये एफिलिएट मार्केटिंग में भी आप कर सकते हो, या आप किसी में भी सब्सक्रिप्शन बेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं ग्रुप को मोनेटाइज करने के लिए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट सेलिंग और दूसरा सब्सक्रिप्शन बेस, जो गाइस मैं आपको बोलूंगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा इजी है और इसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, इसमें जो आपने लोगों को वैल्यू दी है उसके बेस पे प्रोडक्ट लाके लोगों को सेल करना होता है, जो बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप जानना चाहते हो कि सेलिंग कैसे करते हैं, कैसे पंच लाइन देते हैं, कैसे चीजों को लिखते हैं ग्रुप में, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपके लिए और भी इसके आगे वीडियो लेके आऊंगा। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, और एक लाइक, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाओ ताकि आपको मोटिवेशन मेरे काम आए और आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं लेके आऊं। और प्लीज अगर आपने हमारे ग्रुप्स को भी नहीं ज्वाइन किया है फेसबुक पे तो वो भी ज्वाइन करो, बिकॉज वहां बहुत सारे नॉलेजेबल थिंग्स शेयर किए जा रहे हैं डेली। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।